नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और कल केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंचे थे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उनके दौरे को लेकर कई अहम सवाल उठा दिए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर कहा है कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उन पर स्वस्तिक का निशान उनकी पीठ पर बना हुआ है और जबकि हिंदू धर्म में ऐसा करना सही नहीं है। वहीं गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में प्रधानमंत्री से मीडिया के माध्यम से निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव है, लेकिन अंकिता हत्याकांड पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है और ना ही उत्तराखंड की सरकार को अंकिता हत्याकांड में शामिल VIP का नाम उजागर करने के लिए निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की उस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। प्रेस वार्ता का ये विषय नहीं था, लेकिन मैंने अभी अभी देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वस्त्र पहने हैं उस पर स्वास्तिक का निशान पीठ पर बनाया हुआ है, तो उनके जो ड्रेस मेकर्स हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया वो ऐसे वाहवाही और प्रधानमंत्री जी की शाबाशी पाने के लिए ऐसे काम न करें कि प्रधानमंत्री जी की पीठ पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। प्रधानमंत्री जी की टोपी पर स्वास्तिक का निशान बनाते तो हमें अच्छा लगता, क्योंकि हमारे लिए वो श्रद्धा का चिन्ह है। भगवान गणेश के रूप में हम उस चिन्ह को देखते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह को देखते हैं, और वो किसी व्यक्ति के पीठ पर हो ये शोभा नहीं देता। खास करके उनके ड्रेस के डिजाइनर्स जो हैं, उनके ड्रेस बनाने वालों को मेरी राय है कि आगे इसका ध्यान रखेंगे। आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने रुड़की शहर के व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि रुड़की में ही नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील परिषद में कार्यभार संभाला और जिसके बाद SDM ने शहर के व्यापारी नेताओं के साथ दीपावली पर्व को लेकर ही बैठक का आयोजन किया। वहीं बैठक में शहर में अतिक्रमण और पटाखों की दुकानों को लेकर चर्चा की गई है और SDM अभिनव शाह ने व्यापारियों से सुझाव भी लिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि SDM अभिनव शाह ने बताया है कि शहर के 3 स्थानों पर पटाखों की दुकानें नियम अनुसार लगाई जाएंगी और बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि प्रतिबंधित पटाखों पर भी बैन रहेगा और उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड विभाग भी समय से पहले ही शहर में मॉक ड्रिल कर ले और जिससे कोई भी अप्रिय घटना होने की स्थिति में समय रहते हुए उस स्थान पर पहुंचा जा सके। व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पर जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा, तो ये हमने सभी निर्देश दिया व्यापारियों को बताया गया। रुड़की के बेलडा क्षेत्र में विद्युत विभाग की टीम ने 2 विद्युत उपभोक्ताओं पर विभाग को गुमराह कर घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन चलाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मीटर और केबल उतार लिए गए हैं और विभागीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने पर मुकदमा भी दर्ज किया जो है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की टीम को बेलडा क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा मीटर में गड़बड़ी कर घरेलू कनेक्शन के नाम पर दूसरे स्थान पर व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और विभाग की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सूचना पर विद्युत विभाग की उपखंड अधिकारी अनीता सैनी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया है कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र में बिजली के मीटर दूसरे स्थान पर लगाए गए हैं और घरेलू कनेक्शन को व्यावसायिक के तौर पर ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने बेलडच ग्राम और मॉन्ट फ्रंट स्कूल के पास ही छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सूचना सही मिलने पर एक जगह घरेलू कनेक्शन को, अलग जगह मॉन्टफोर्ट स्कूल के पास में व्यावसायिक कनेक्शन पर इस्तेमाल किया जा रहा था और दूसरी जगह बेलडा ग्राम में बिजली भी बिल जो है उसका बकाया के चलते ही कनेक्शन काटा गया था और किसी अन्य के नाम से दूसरा कनेक्शन वहां पर
था, जिसको लेकर ही दोनों जगह से बिजली के मीटर उतार कर लाया गया और दोनों के खिलाफ विभागीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी बताया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जाएगी और इस प्रकरण में किसी भी विभागीय कर्मचारी की भूमिका भी संपलित अगर होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये एक्चुअली क्या है ना, कुछ सूचना इस तरह की मतलब शिकायतें हो रही थी ऊपर से, मतलब शिकायत थी, उसी शिकायत के आधार पे हम बेलडा गांव में मोडफोर्ट स्कूल के पास में चेक करने गए हैं और शिकायतों को सही पाया गया था, क्योंकि वहां पर जो मीटर लगे पाए गए वो दूसरी लोकेशन पे थे। लोकेशन चेक करने पे मतलब मोडफोर्ट स्कूल के पास में गलेरी कलेक्शन को लगाया गया था कॉमर्शल पर। दूसरी सूचना वहीं की बेलडा गाँव की थी, नकली राम सन ऑफ ये चेतराम के नाम से, उसके यहाँ भी मतलब ड्यूज पे कनेक्शन कटा हुआ था, उसके यहाँ कोई मतलब कनेक्शन था, किसी और का कनेक्शन उसने भी मीटर कहीं दूसरी जगह से ला के वहाँ लगाया हुआ था। सुल्तानपुर से हेमानियत की खबर सामने आई है। दरअसल सुल्तानपुर में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की बड़ी वारदात सामने आई है। बहरहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ये मामला धुम्मौर थाना क्षेत्र के है, जहाँ पर इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 17 अक्टूबर की रात बारात आई हुई थी और पड़ोस के रहने वाला परिवार शादी विवाह में व्यस्त था और इसी दौरान ही 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी बाग की ओर गई और काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई कि काफ़ी खोजबीन करने के बाद सुबह भोर में गाँव से थोड़ी दूर पर किशोरी खेत में बेहोश की हालत में मिली, जिसके बाद से ही किसी तरह किशोरी होश में आई तो उससे अपनी आप बीती बताई है। और किशोरी की माने तो उसका कहना है कि बभनवा गांव का ही रहने वाला किशन और पड़ोस का रहने वाला किशन उसका मुंह दबाकर उसे गांव से बाहर ले गए और उसे मारपीट कर नशीला पदार्थ पिला दिया। दोनों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। किशोरी की आप बीती सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर आपको बता दें कि उसका इलाज किया गया और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घटना की जानकारी लगने पर परिचितों को भी जो है इसकी सूचना दी गई है और राजनीतिक दलों ने भी इसे अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। साथ ही घटना की निंदा की गई है और साथ ही आरोपियों के साथ कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। आपको सुल्तानपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है सुल्तानपुर से, जहां पर अब आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है और पीड़ित परिजनों की तहरीर पर ही पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया और साथ ही नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरा मामला जो बताया जा रहा है वो धम्मौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसी थाना क्षेत्र के एक गाँव में ही बीते 17 अक्टूबर की घटना बताई जा रही है, जहाँ पर बारात आई हुई थी और पड़ोस के रहने वाला परिवार जो था शादी विवाह में व्यस्त था और इसी के साथ ही इसी के दौरान 16 वर्षीय नाबालिग जो थी वो किशोरी बाग की ओर गई थी और काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी चिंता होने लगी और काफ़ी खोजबीन करने के बाद ही सुबह भोर में बेहोशी की हालत में किशोरी मिली है, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए और परिजनों ने पुलिस में इस मामले की पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि परिजनों का कहना है कि कठोर से कठोर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल एक थाना धमौर में सूचना प्राप्त हुई थी, तहरीर प्राप्त हुई है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है दो व्यक्तियों द्वारा, उसे ले जाकर उस पर अपराध पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी तहसील राम स्नेही घाट क्षेत्र के ग्राम सिकरी जेवर का निरीक्षण बीना कुमारी बीना प्रमुख सचिव खाद्य और रसद विभाग ने किया है। आपको बता दें कि साथी में मौजूद रही हैं
सीडीओ अंकिता सिंह बाढ़ पीड़ितों ने अपनी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत भी कराया कि एक बार राहत सामग्री मिलने के बाद दोबारा नहीं मिली है और न गांव में किसी प्रकार की दवा का छिड़काव नहीं किया गया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी गई है, जबकि क्षेत्र में बाढ़ से डेंगू और संक्रमण की कई बीमारियों से पीड़ित लोग हैं और 4 साल से बिजली के तार खंभे से एकदम नीचे लटके हुए थे और कई बार लोगों को उससे टकराने का भी जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ये भी लोगों में डर है, लेकिन नहीं तार हटाए जा रहे हैं और अधिकारियों के आने से पहले सभी खंभों पर तार खींच कर उसे सही किया गया है, ये ग्रामीणों का आरोप है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। लोगों की फसलें अगले साल जो डूबी हुई थी उनका मुआवजा भी नहीं मिल पाया है, इस साल क्या उम्मीद करें, ये ग्रामीण कह रहे हैं। सफाई कर्मचारी आज ही आकर गांव के ही सफाई किए हैं और इससे पहले कोई भी सफाई कर्मचारी मौके पर नहीं आए और ना ही सफाई की गई है। और इसके साथ ही अधिकारी ने ब्लॉक बारिन बाग पूरे ढलाई के वीडियो को फटकार लगाते हुए बताया है कि स्कूल के ही बगल जो गंदगी है और पानी भरा हुआ है उसको तुरंत यहाँ से हटवाएं और पानी को यहाँ से निकलवाएं, क्योंकि इसी गंदगी से डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।